यह बात तो दूर रही, आज तो फूलों की माला पहनते ही फूल जाते हैं। इसी प्रकार की प्रसन्नता जूतों की माला पहनने पर भी हो, फूलों की माला भी जूतों की माला की तरह प्रतीत हो, तब मान अपमान में समानता सिद्ध होगी। पतंजलि कहते हैं, पातांजल योग दर्शन साधन 5 सूत्र 33 में, वितर्क बाध ने प्रतिपक्ष भावनम, अर्थात जब वितर्क यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। सूत्र की व्याख्या। जब कभी संग दोष से या अन्याय पूर्वक किसी के द्वारा सताए जाने पर बदला लेने के लिए या अन्य किसी भी कारण से मन में अहिंसा आदि के विरोधी भाव बाधा पहुंचावे, अर्थात हिंसा झूठ चोरी आदि में प्रवृत्त होकर यम नियम आदि का त्याग कर देने की परिस्थिति उत्पन्न कर दे, तो उस समय उन विरोधी विचारों का नाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन रूप प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। हिंसा को हटाने के लिए अहिंसा का पालन करना। किसी ने इत्र लगा दिया, हम प्रसन्न होते हैं। वास्तव में अगर उस समय हमको यह प्रतीत हो कि मानो किसी ने पेशाब लगा दिया है, तब समझना चाहिए कि मन में वैराग्य है। भक्तों की महात्माओं की गति उल्टी ही तो है, उनकी महिमा तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 4 में। अर्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। ऐसी महिमा गाई है। विचार करो, जितने काम वे भक्त और महात्मा करते हैं उनके प्रत्येक काम में विलक्षणता रहती है। जैसे धन के दास स्वार्थी के प्रत्येक काम में पैसे की बात रहती है, वे हानि के काम के समीप नहीं जाना चाहते। महात्माओं की तो गति उल्टी है। बार में हमने 12 आने 75% काम किया और माधव जी ने 4 आने 25% काम किया, परंतु उसमें नाम माधव जी का हुआ। इसको सुनकर हमें इतनी प्रसन्नता हो कि वाह, बड़ा अच्छा हुआ, हम तो मान बड़ाई से बच गए। अगर ऐसा भाव हो तो समझना चाहिए कि निष्काम भाव है। यहां तो अभी गए ही नहीं, पहले से ही अखबारों में खबर छपवा दी जाती है कि हम सेवा कार्य के लिए जाने वाले हैं, और चले गए तब तो आकर बस सीधी तरह से नहीं, किसी न किसी बहाने से ही अपनी बड़ाई की बात करते हैं। वास्तव में सेवा का काम करते समय इतनी प्रसन्नता हो कि इंद्रियों में अद्भुत चेतनता आ जाए। गीता जी के 2 अध्याय के 64 श्लोक में भगवान कहते हैं, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा
प्रसाद अधिगच्छति, अर्थात परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इससे चित्त की प्रसन्नता होती है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्य प्रतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। गीता में प्रसाद तीन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक कृपा के अर्थ में 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में, मत चित्तः सर्व दुर्गानी मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चेत्व महंकारान न शोष्यसि विनंश्यसि। अर्थात उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादा दवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 2. सात्विक सुख प्रसादजम सुख के अर्थ में, 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मबुद्धि प्रसादजम्। अर्थात जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। आत्मशुद्धि विषयक प्रसन्नता यहां सात्विक है। दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में, प्रसादे सर्व दुखानां आनि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यहां चित्त की प्रसन्नता का नाम प्रसाद है। निष्काम भाव वास्तव में थोड़ा भी हो जाए तो कल्याण है। वहां राग द्वेष का अत्यंत अभाव होगा,
ईर्ष्या नहीं होगी और काम करने में प्रसन्नता होगी। राग होगा वहां द्वेष होगा ही, ये दोनों मित्र है और काम क्रोध पिता पुत्र है। जहां ये हैं वहां न दुखों की कमी है न दुर्गुणों की। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की 10 वर्ष सेवा करे, यदि राग द्वेष है तो वे निष्काम भाव को उत्पन्न ही नहीं होने देंगे, खा जाएंगे। जैसे कि गर्म तवे पर पानी पड़ते ही छन करके स्वाहा हो जाता है। राग द्वेष का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, इसके लिए उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय तत्वज्ञ अर्थात तत्व जानने वाले महापुरुष की शरण जाने से। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरा उपाय ईश्वर की शरण जाने से और तीसरा उपाय ईश्वर प्राप्त पुरुष की शरण जाने से। 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम् श्रुति परायणः। अर्थात परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। तत्व के जानने वाले के कहने के अनुसार उपासना करने वाले का भी उद्धार हो जाता है। हम लोगों को तो ईश्वर महात्मा ज्ञान भक्ति प्रेम सत्संग किसी का भी आश्रय नहीं है, उल्टा सारे 3 हाथ के शरीर का आश्रय ले रखा है। यह तो खड्डे में डालने वाला है। भगवान तो कहते हैं गीता के 4वें अध्याय के 20वें श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण नारायण
श्रीवल नारायण 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 ஆனந்தியானந்தியான சாந்தி சாந்தி சாந்தி.